French men are flirts. Just act normal when you see him. But I'm not this person. I'm the girl who shows up, not the girl who makes bad decisions. You don't come to Paris to be good. Sexy. Oh, would you stop? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली बहुत सारी वेब सीरीज में से कुछ वेब सीरीज ही ऐसी होती हैं जो व्यूअर्स के दिलों में अपनी अलग जगह बनाती है और नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर सीरीज बन जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही टॉप 7 मोस्ट वॉच नेटफ्लिक्स शोज इन 2021 डब्ड इन हिंदी के बारे में जानेंगे। 2021 की मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट वॉच्ड नेटफ्लिक्स सीरीज का ये थर्ड पार्ट है। ये लिस्ट नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल व्यूअरशिप डेटा पर बेस्ड है। 2021 की ये स्पेशल वेब सीरीज क्यों इतनी पॉपुलर है और ये सभी आपके लिए क्यों खास है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 7 पर है एलीट सीजन 4। ये एक स्पेनिश थ्रिलर टीन ड्रामा सीरीज है जो यंग व्यूअर्स के बीच काफी पॉपुलर रही है। दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर बहुत कम फॉरेन शोज ऐसे हैं जो इंटरनेशनली पॉपुलर हुए हैं और मोस्ट वॉच्ड कैटेगरी में जगह बना पाए हैं। एलीट भी इन्हीं रेयर शोज में से एक है। ये सीरीज टीन ड्रामा जॉनर से जुड़ी थीम और कंसेप्ट एक्सप्लोर करती नजर आती है। इसके फ्लैश फॉरवर्ड टाइप प्लॉट में बहुत से मिस्ट्री एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं जो इस सीरीज को काफी थ्रिलिंग बना देते हैं। वर्किंग क्लास और एलीट क्लास के टीनेजर्स के बीच क्लैशेज और राइवलरीज इस सीरीज में दिखाई गई है। इसके फर्स्ट सीजन से ही इसका एक अलग फैन बेस बन गया था। इसका फोर्थ सीजन जून 2021 में रिलीज हुआ था और रिलीज के बाद फर्स्ट 4 वीक्स में ही 37 मिलियन नेटफ्लिक्स यूजर्स ने इसे देखा और आप भी नेटफ्लिक्स पर इस थ्रिलर सीरीज को हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 6 पर है फायरफ्लाई लेन। ये प्योर ड्रामा पर बेस्ड एक नेटफ्लिक्स सीरीज है जो अपने सिंपल एंड रियलिस्टिक प्लॉट की वजह से पॉपुलर रही है। इस ड्रामा सीरीज की स्टोरी एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है जिससे कि व्यूअर्स इजीली इससे कनेक्ट हो पाते हैं। ये सीरीज 1970s से दो टीनेज गर्ल्स की लाइफ स्टोरी हमें दिखाती है और अर्ली 2000 तक यानी उनके अडल्टहुड तक उनकी लाइफ को फॉलो करते हुए उनकी रिलेशनशिप और उनके अनब्रोकन फ्रेंडशिप बॉन्ड को हमारे सामने रखती है। दोस्तों, ये सीरीज उन व्यूअर्स के लिए है जो स्वीट एंड सिंपल स्टोरीज के फैन हैं और फील गुड मूवीज पसंद करते हैं। लाइफ और फ्रेंडशिप से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स फील करवाने वाली इस वेब सीरीज का फर्स्ट सीजन 3 फरवरी 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था और फर्स्ट 4 वीक्स में ही नेटफ्लिक्स पर 49 मिलियन टाइम्स इसे देखा गया और इस तरह ये शो 2021 में नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर शोज की लिस्ट में शामिल हो गया। इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए मई 2021 में इसको सेकेंड सीजन के लिए रिन्यू कर दिया गया था। एवरेज 45 टू 50 मिनट्स के 10 एपिसोड्स के साथ इस सीरीज का फर्स्ट सीजन नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है गिनी एंड जॉर्जिया। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। ये सीरीज उन व्यूअर्स के लिए है जो साईफाई, एक्शन और फैंटेसी जैसे फास्ट रनिंग जॉनर से ब्रेक लेकर कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी इंजॉय करना चाहते हैं। डॉटर और मदर के बीच एक स्ट्रेंज रिलेशनशिप इस सीरीज में दिखाई गई है। 15-year-old गर्ल गिनी को लगता है कि वो 30-year-old अपनी मदर जॉर्जिया से ज्यादा मैच्योर है। जब जॉर्जिया वापस अपने बच्चों के साथ सेटल होने का डिसीजन लेती है, वहीं से सीरीज में फुल ऑन कॉमेडी और ड्रामा शुरू हो जाता है। फरवरी 2021 में इस सीरीज का फर्स्ट सीजन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था और अप्रैल 2021 में नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया कि गिनी एंड जॉर्जिया के फर्स्ट सीजन को रिलीज के बाद फर्स्ट 4 वीक्स में ही 52 मिलियन से भी ज्यादा नेटफ्लिक्स यूजर्स ने देखा। दोस्तों, 2021 की इस मोस्ट वॉच्ड कॉमेडी ड्रामा सीरीज को आप भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4 पर है हु किल्ड सारा। ये एक मैक्सिकन मिस्ट्री थ्रिलर शो है। इसकी अमेजिंग स्टोरी और इसमें एडेड हाई लेवल सस्पेंस एंड थ्रिल की वजह से इस शो को बहुत पसंद किया गया और ये फॉरेन लैंग्वेज शो भी नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर लिस्ट में शामिल हो गया। इस थ्रिलर सीरीज की स्टोरी एक मर्डर मिस्ट्री के अराउंड सेंटर्ड है और रिवेंज फैक्टर भी इसमें ऐड किया गया है। जब लीड कैरेक्टर को एक ऐसे क्राइम के लिए सजा मिलती है जो उसने किया ही नहीं है, तब वो इस क्राइम के रियल कल्प्रिट्स को ढूंढने निकलता है और उनसे बदला लेने की कोशिश करता है। दोस्तों, मार्च 2021 में इस सीरीज का फर्स्ट सीजन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था और 2 महीने बाद ही मई 2021 में इसका सेकेंड सीजन भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गया था। नेटफ्लिक्स व्यूअरशिप डेटा के अकॉर्डिंग रिलीज के बाद फर्स्ट 4 वीक्स में ही 55 मिलियन नेटफ्लिक्स यूजर्स ने इसे एंजॉय किया और ये नेटफ्लिक्स का मोस्ट पॉपुलर फॉरेन शो बन गया। इस थ्रिलर सीरीज के थर्ड सीजन की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। तो दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल इसके दोनों सीजन को आप एंजॉय कीजिए और इसके थर्ड सीजन के आने का इंतजार कीजिए। नंबर 3 पर है एमिली इन पेरिस। ये नेटफ्लिक्स की एक इंटरेस्टिंग कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो 2 अक्टूबर 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और कुछ ही दिनों में मोस्ट वॉच्ड स्ट्रीमिंग शो की टॉप 10 लिस्ट में इसने अपनी जगह बना ली थी।
सीरीज में हम देखते हैं कि पेरिस की एक मार्केटिंग फर्म एक यंग अमेरिकन वुमेन को हायर करती है ताकि वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में बोल्ड अमेरिकन अप्रोच ला सके। ये यंग अमेरिकन वुमेन सीरीज की लीड कैरेक्टर होती है और इस अनएक्सपेक्टेड जॉब अपॉर्चुनिटी के जरिए उसकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज की रिलीज के बाद फर्स्ट 4 वीक्स में ही 58 मिलियन नेटफ्लिक्स यूजर्स ने इसको एंजॉय किया। इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए नवंबर 2020 में इसको सेकंड सीजन के लिए रिन्यू किया गया था और इसका सेकंड सीजन दिसंबर 2021 के एंड तक नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकता है। तब तक आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल इसके फर्स्ट सीजन को जरूर एंजॉय कीजिए। नंबर 2 पर है सेक्स लाइफ। नेटफ्लिक्स की यह ड्रामा सीरीज एकदम वॉच अलोन एक्सपीरियंस के लिए बनी है। इसके टाइटल की ही तरह इसकी स्टोरी भी एक्सट्रीम प्लेजर और हिडन डिजायर जैसे फैक्टर्स पर बेस्ड है और हम सब जानते हैं कि युवा दर्शकों से भरी इस दुनिया में ऐसी वेब सीरीज तो एक्सट्रीमली पॉपुलर होनी ही होनी है। जिस किसी के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं था उन लोगों ने भी इस सीरीज के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन जरूर लिया होगा, तभी ये 2021 की मोस्ट वॉच्ड नेटफ्लिक्स सीरीज बन गई है। सीरीज में हम देखते हैं कि लीड कैरेक्टर की मैरिड लाइफ उसकी अनकंट्रोलेबल अर्ज और हिडन डिजायर्स की वजह से एक अलग शेप ले लेती है। जून 2021 में इस सीरीज का फर्स्ट सीजन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ और फर्स्ट 4 वीक्स में ही 67 मिलियन से भी ज्यादा नेटफ्लिक्स यूजर्स ने इसे देखा और इसे 2021 के मोस्ट वॉच्ड नेटफ्लिक्स शोज में से एक बना दिया। सितंबर 2021 में इस सीरीज को सेकंड सीजन के लिए रिन्यू कर दिया गया था। करंटली 8 एपिसोड्स के साथ इसका फर्स्ट सीजन नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 पर है स्क्विड गेम। दोस्तों हम सब जानते हैं कि इस अमेजिंग कोरियन सीरीज ने एक अलग ही ट्रेंड सेट किया था और इसकी जितनी पॉपुलैरिटी और कोई भी शो आज तक गेन नहीं कर पाया है। नेटफ्लिक्स के अब तक के सारे स्ट्रीमिंग रिकॉर्ड तोड़कर ये कोरियन सर्वाइवल ड्रामा सीरीज सिर्फ 2021 की ही नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉच्ड सीरीज एवर बन चुकी है। सीरीज की स्टोरी में हम देखते हैं कि कुछ लोग ह्यूज कैश प्राइज के लिए डेडली सर्वाइवल गेम्स का हिस्सा बन जाते हैं। दोस्तों ये कोरियन शो क्यों इतना स्पेशल है और ये क्यों इतना पॉपुलर है इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। 17 सितंबर 2021 को ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और 94 कंट्रीज में ये ट्रेंडिंग रही। रिलीज के बाद फर्स्ट 4 वीक्स में ही 142 मिलियन से भी ज्यादा व्यूअर्स ने इसे स्ट्रीम किया और इसी ह्यूज व्यूअरशिप के साथ इसने टॉप पर अपनी जगह बनाई। 2020 की नेटफ्लिक्स सीरीज ब्रिजर्टन जो 82 मिलियन व्यूअरशिप के रिकॉर्ड के साथ नेटफ्लिक्स की अब तक की मोस्ट वॉच्ड सीरीज थी, स्क्विड गेम ने उसको पीछे छोड़ते हुए नेटफ्लिक्स की आज तक की मोस्ट वॉच्ड सीरीज होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। यह रिकॉर्ड ब्रेकर सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। अगर अब तक आपने इसे नहीं देखा है तो अभी जाकर इसे देखिए। तो दोस्तों आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज एंड मूवीज से रिलेटेड हमारे सभी वीडियोस के लिए स्क्रीन पर सजेस्टेड प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट कीजिए। अगर आप एक ट्रू मूवी फैन हैं तो मूवीज और वेब सीरीज की सबसे बेस्ट चॉइसेस के लिए द चॉइस बॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।